हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज अनिल के शर्मा. और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि व्हाट इज एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या है. तो एसक्यूएल को समझने के लिए जो है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या है, और फिर इसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि रिलेशनल डेटाबेस क्या है. और इसके बाद फिर जब हम एसक्यूएल को समझते हैं, तो एसक्यूएल फिर अच्छे से समझ में आता है. तो बेसिकली जो डेटाबेस है, डेटाबेस का मतलब ये है कि एक कंपनी है और उस कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. इस तरह के जो है, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं. तो हर डिपार्टमेंट में काम होता है, और जब काम होता है तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है. जैसे कि मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट है, तो एचआर डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि एम्प्लॉई को रिक्रूट करना. तो एम्प्लॉय को जब फर्स्ट टाइम रिक्रूट करते हैं, तो एम्प्लॉय का नाम वगैरह होता है, उसकी एज वगैरह होती है, उसका डेजिग्नेशन वगैरह होता है, कितनी सैलरी वगैरह उसको ऑफर की जा रही है. तो ये सब क्या है, ये एक इन्फॉर्मेशन है. तो मेरे समझाने का मतलब क्या है कि एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस डिपार्टमेंट में बहुत सारी इस तरीके की इंफॉर्मेशन जनरेट होती है. तो उन इंफॉर्मेशन का जो है, हम सबसे पहले डेटाबेस बना करके किसी सर्वर पे डाल देते हैं. और उसके बाद जो है, जब उस डेटाबेस को जब हम बनाते हैं, तो उसमें रिलेशनल डेटाबेस का भी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं. और उसके बाद एसक्यूएल की क्वेरी से जो है, हम डेटा को स्टोर करने का, फेच करने का काम करते हैं. तो एसक्यूएल को जो है समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या है, और फिर रिलेशनल डेटाबेस क्या है, तभी जो है एसक्यूएल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि एसक्यूएल क्या है. तो जो है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे जो है, ओरेकल डेटाबेस से संबंधित जो है टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ. और इग्नू के जो कंप्यूटर साइंस है, बीसीए एमसीए से भी मैं पिछले 10-15 साल के जो क्वेश्चंस वगैरह है, उनको भी मैं डिस्कस करता हूँ. तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि एसक्यूएल क्या है. तो एसक्यूएल को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या है. द हाउ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए कंपनी. ठीक है, अब एसक्यूएल समझना है तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन को कंपनी में स्टोर कैसे करते हैं, क्योंकि एसक्यूएल जो है वो रिलेटेड है इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को हमें रिट्रीव करना है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है. कुछ भी इंफॉर्मेशन के ऊपर हमें काम करना है, तो उसके लिए हमें एसक्यूएल या एसक्यूएल की क्वेरी की जरूरत पड़ती है. तो सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन को कंपनी में स्टोर कैसे करते हैं. मतलब एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में जो है इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, तो उन इंफॉर्मेशन को कंपनी में स्टोर कैसे करते हैं, तो पहले वो समझना पड़ेगा. तो हाउ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ए कंपनी. तो इंफॉर्मेशन को जो है कंपनी में स्टोर करते हैं डेटाबेस के फॉर्म में. ठीक है, यानी कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करके एक सिस्टमैटिक तरीके से जब हम सर्वर पे रख देते हैं, तो उसको डेटाबेस कहते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे जो है, हम डेटाबेस को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि डेटाबेस क्या है. डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. ठीक है, डेटाबेस क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, यानी कि डेटा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, ठीक है, उसको फिर क्या किया जाता है, उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को फिर डेटाबेस के सर्वर पे स्टोर कर दिया जाता है. अब डेटाबेस का जो सर्वर है, वो कोई भी सर्वर हो सकता है, ओरेकल का सर्वर हो सकता है आपका, एसक्यूएल माई एसक्यूएल सर्वर हो सकता है. तो कोई भी जो है डेटाबेस का सर्वर हो सकता है. तो उस डेटाबेस के सर्वर पे जो है, हम क्या करते हैं, डेटाबेस बना करके उसको स्टोर कर देते हैं. तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं
कि डेटा और इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में डेटा या इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका पूरा जो है डायग्राम दिखा दूंगा, पूरा जो है टेबल दिखा दूंगा। तो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि डेटा और इंफॉर्मेशन को रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, और जब ऐसा करते हैं, रोज और कॉलम्स में जब डेटा को हम स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है क्या बन जाता है, एक टेबल बन जाती है। टेबल का मतलब डेटाबेस के फील्ड में एक फाइल बन जाती है, ठीक है। और फाइल बनने के बाद जो है फिर आगे क्या करते हैं, बट नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस इज यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर क्या करते हैं, फिर हम इन टेबल के ऊपर रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। यानी कि पहले डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस बनाने का मतलब क्या है कि डेटा और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है रोज एंड कॉलम्स में। जब रोज एंड कॉलम्स में डेटा डेटा या इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो एक टेबल बन जाती है। टेबल का मतलब एक फाइल बन जाती है, और उस फाइल के ऊपर जो है फिर हम रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम समझते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस क्या है। तो रिलेशनल डेटाबेस जो है रिलेशनल डेटाबेस क्या है, तो ए रिलेशनल डेटाबेस कंटेन्स मल्टीपल टेबल्स ऑफ डेटा, ठीक है। अब रिलेशनल डेटाबेस का मतलब ये है कि डेटाबेस में हम क्या करते हैं, टेबल्स बना लेते हैं, फाइल बना लेते हैं, और मल्टीपल फाइल्स है ना, एक से ज्यादा फाइल्स को आपस में प्राइमरी की फॉरेन की से जब हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है रिलेशनल डेटाबेस। तो ए रिलेशनल डेटाबेस कंटेन्स मल्टीपल टेबल्स ऑफ डेटा। एक रिलेशनल डेटाबेस जो है मल्टीपल टेबल्स ऑफ डेटा, यानी कि मल्टीपल फाइल्स ऑफ डेटा कंटेन करता है, और जिसमें बहुत सारी रोज होती है और जिसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, दैट रिलेट टू इच अदर थ्रू सम कीज लाइक प्राइमरी की और फॉरेन की। तो बहुत सारे टेबल, बहुत सारी फाइल जिसमें कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी टेबल्स या फाइल्स को हम प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू जोड़ते चले जाते हैं, तो बहुत बड़ा डेटाबेस बन जाता है, और इसको हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है कि इसमें फिर एसक्यूएल का क्या काम है। तो इसमें एसक्यूएल का जो काम है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एसक्यूएल क्या है। तो एसक्यूएल की जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज यूज टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस। तो एसक्यूएल का क्या काम होता है कि ऊपर जो हमने रिलेशनल डेटाबेस बनाया है, उस रिलेशनल डेटाबेस में हमारी जो इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है, डेटा स्टोर किया गया है, उस इंफॉर्मेशन या डेटा से इंटरेक्ट करने के लिए है ना, उस डेटाबेस या रिलेशनल डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब उस रिलेशनल डेटाबेस से डेटा को, इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, उसमें दोबारा से डालने के लिए, उसमें डिलीट करने के लिए, उसमें अपडेट करने के लिए, ये सारे काम जो है हम एसक्यूएल की हेल्प से करते हैं। तो अब जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि भाई जो है डेटाबेस का मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन जो है हम रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो पूरी की पूरी एक टेबल बन जाती है। तो वो टेबल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, और फिर इसके बाद उसी टेबल से हम समझेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो टेबल है, दो फाइल है डेटाबेस के अंदर। एक जो है
वो है एम्प्लॉय। ये क्या है एम्प्लॉय, ये पूरा का पूरा जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी की पूरी क्या है, एक टेबल है डेटाबेस में, एक फाइल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि एक कंपनी में जो है मान लीजिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है, जैसे कि एक एम्प्लॉय की आईडी जनरेट हो गई, ठीक है, और कोई एम्प्लॉय जो अभी अभी रिक्रूट रिक्रूट हुआ है, अभी अभी हायर्ड हुआ है, उसका फर्स्ट नेम हमें लिख के रखना है, उसका लास्ट नेम हमें लिख के रखना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी हमें लिख के रखने की ज़रूरत है, वो मेल है फीमेल है वो भी हमें लिख के रखने की ज़रूरत है, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी सुपर आईडी वगैरह भी हम बना देते हैं, कुछ आईडी बना देते हैं, किस ब्रांच में है वो उसकी आईडी बना देते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन को हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक इन्फॉर्मेशन को जो है रो और कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो ये क्या है, ये सारी की सारी रो है, क्या है ये रो है, ये सारी की सारी रोज है, और ये क्या है, ये सारे ये सारा का सारा कॉलम्स है हमारे पास, क्या है ये कॉलम्स है, ये कॉलम्स है, ये कॉलम्स है, ये कॉलम्स है, ये कॉलम्स है। तो एक कंपनी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, मान लीजिए एम्प्लॉय के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, तो उस इंफॉर्मेशन को मैंने क्या किया, जो है उस इंफॉर्मेशन को मैंने रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया, और ऑर्गेनाइज करने के बाद जो है उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का मैंने एक नाम दे दिया एम्प्लॉय। तो इसके बाद जो है हमारे पास डेटाबेस में एक फाइल बन गई, एक टेबल बन गई, ठीक है। इसी तरीके से कंपनी में और भी इंफॉर्मेशन अलग टाइप की जनरेट हुई है, जैसे ब्रांच के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, तो हमने क्या किया, वही रोज और कॉलम्स के फॉर्म में मैंने क्या किया, ब्रांच के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको ऑर्गेनाइज करके मैंने क्या किया, एक टेबल बना दिया, ठीक है। अब टेबल बना दिया तो एम्प्लॉय ब्रांच आईडी, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं कंपनी में। ये तो दो टेबल्स मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया है, बट अगर आप कंपनी की बात करते हो तो कंपनी में मल्टीपल टेबल्स होते हैं, मल्टीपल फाइल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ टेबल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ फाइल्स होते हैं डेटाबेस में। तो मिलियंस ऑफ फाइल्स को हम कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, डेटाबेस बोल सकते हैं। यानी कि एम्प्लॉय का जो ये टेबल है, ब्रांच का जो ये टेबल है, और भी बहुत सारे टेबल्स है, तो इनको हम एक नाम में क्या कह सकते हैं, इनको हम एक नाम में डेटाबेस बोल सकते हैं। बट जितनी भी टेबल्स है उन सारे टेबल्स को आपस में हम जोड़ देते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू हम जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन में यहाँ पे मैंने ब्रांच आईडी दिया हुआ है 1122, ये ब्रांच आईडी है, और एक ब्रांच के टेबल में भी मैंने ब्रांच आईडी का यहाँ पे लिया हुआ है 123। तो इससे क्या होगा कि ब्रांच आईडी 1 और ये 1, ये जो है ब्रांच आईडी 1, इससे ये टेबल ऊपर वाले टेबल जुड़ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि मिलियंस ऑफ टेबल्स को बना करके सारे टेबल्स में जो है हम जो कॉलम नेम है, जैसे ब्रांच आईडी कॉलम नेम है, ब्रांच आईडी कॉलम नेम है, तो कॉलम नेम सेम करके उसको जो है प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू जोड़ देते हैं। ये आपका प्राइमरी की हो गया और ये आपका फॉरेन की हो गया, तो ये दोनों टेबल्स आपस में जुड़ गई। तो ये दोनों टेबल्स आपस में जुड़ गई, तो कंपनी में ऐसे ही बहुत सारे टेबल्स बना करके आपस में हम प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू जोड़ देते हैं, तो इसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। तो एक कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन जो स्टोर करके रखी जाती है वो रखी जाती है कैसे, डेटाबेस बना करके, मतलब बहुत सारी टेबल्स बना करके, और उन टेबल्स को आपस में प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू जोड़ देते हैं, तो रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट वहां पे पूरा अप्लाई हो जाता है। और फिर इस इंफॉर्मेशन पे हम एसक्यूएल की क्वेरी जो है क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है समझेंगे कि एसक्यूएल में जो है कौन कौन सी कमांड्स होती है, और उन सारे कमांड से क्या क्या काम होता है, तो अब वही समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है,
यहाँ पे हमारे पास है एसक्यूएल क्वेरी कमांड्स। ठीक है, तो एसक्यूएल क्वेरी कमांड्स का मतलब है कि जो आपको समझना है कि व्हाट इज एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या है। तो एसक्यूएल के अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं, तो एसक्यूएल क्वेरी कमांड्स, तो इसमें जो आपका जो यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी कमांड के नीचे ये जो है, ये मेरे पास क्या है, ये टेबल है। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए मैंने एक टेबल जो है यहाँ पे मैंने रखा है, टेबल मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लिया है। तो इस टेबल का मतलब ये है कि मान लीजिए कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है, ये एम्प्लॉय नाम का टेबल है और इस टेबल में कंपनी के कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर है, और ये जो है ये डेटाबेस बन गया है आपका। और इसके साथ और भी हम टेबल्स ऐड कर देंगे प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू, तो ये बन जाएगा आपका रिलेशनल डेटाबेस। तो कंपनी में इंफॉर्मेशन रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को यूज करके ही जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है सर्वर पे। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस है, तो इसको मैं क्या करूंगा, ओरेकल के सर्वर या माई एसक्यूएल सर्वर पे इसको ले जा करके स्टोर कर दूंगा। और स्टोर करके अब इसमें से मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो उन इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए मैं एसक्यूएल क्वेरी कमांड्स को यूज करूंगा। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी कमांड्स है, तो हमारे पास यहाँ पे पहली कमांड जो है वो है रिट्रीविंग डेटा यूजिंग एसक्यूएल सिलेक्टमेंट एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मतलब एसक्यूएल क्वेरी कमांड के अंदर जो है हम टॉपिक ही पढ़ते हैं रिट्रीविंग डेटा यूजिंग एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो एसक्यूएल क्वेरी में क्या होता है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करके हम एरिथमेटिक ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करके मान लीजिए सैलरी का मुझे 5% इंक्रीज करना है, तो ये एरिथमेटिक ऑपरेशन में आ जाएगा। तो एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम सैलरी के ऊपर। कॉन्केटनेट ऑपरेटर का मतलब ये है कि मान लीजिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मुझे दोनों को ऐड करके आगे बनाना है एम्प्लॉय नेम, तो इसको कॉन्केट नेट ऑपरेटर बोलते हैं। तो इस तरीके से हम दो फील्ड्स को, दो कॉलम्स को आपस में जोड़ करके एक न्यू कॉलम नेम भी हम शो कर सकते हैं कॉन्केट नेट ऑपरेटर से। और कॉलम एलियास का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मुझे जो है, मान लीजिए कि मुझे सैलरी को सेल करके दिखाना है, तो सैलरी को एक कॉलम है, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेल, तो सेल जो है उसको कॉलम एलियास बोलते हैं। तो सैलरी की जगह पर हम सेल या कुछ और नाम देकर भी हम सैलरी को जो है डिस्प्ले करा सकते हैं। तो जो है एसक्यूएल क्वेरी कमांड में हम सबसे पहले यही सीखते हैं कि रिट्रीविंग डेटा यूजिंग एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट किस तरीके से होता है। दूसरा जो है रिस्ट्रिक्टिंग एंड सॉर्टिंग डेटा। ठीक है, अब इसी टेबल के ऊपर, इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर वेयर क्लाउज लगा करके हम डेटा को जो है रिट्रीव कर सकते हैं। वेयर क्लाउज का मतलब ये है कि हम मान लो पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय आईडी दे करके, कि मान लीजिए कि जो है 100 100 एम्प्लॉय आईडी जिसका है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन फेच करके मुझे दे दे, तो वहां पर हम वेयर क्लाउज यूज करते हैं। बिटवीन क्लाउज का मतलब है कि एक रेंज दे सकते हैं सैलरी में कि 2,50,000 से लेकर के 75,000 के बीच में जितनी भी सैलरी है वो सैलरी सारा फेच करके दे दे, तो वो बिटवीन कमांड में हम ऐसा कर सकते हैं। इनका मतलब है कि ब्रैकेट में मैंने डाल दिया कि भाई एम्प्लॉय आईडी 100 होना चाहिए या 101 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी एम्प्लॉय आईडी नहीं होनी चाहिए। तो इन ऑपरेटर को यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। लाइक का मतलब ये है कि लाइक में जैसे डेविड है, फर्स्ट नेम डेविड है, तो लाइक में हम क्या कर सकते हैं, AVI लिख करके हम इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। तो AVI का मतलब ये है कि फर्स्ट नेम में जिस भी नाम के अंदर AVI लिखा हुआ होगा उन सारे नामों को ये फेच कर देगा। नल का मतलब है कि जिस भी कॉलम या रो में नल वैल्यू है, यानी कि कोई वैल्यू ही नहीं है उसमें, केवल वो इंफॉर्मेशन फेच कर दे,
तो वो हम नल वैल्यू कमांड से हम उसको फेच कर सकते हैं। इसी तरीके से एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, ऑर्डर वाई कमांड, ये सब कमांड जो है एक तरीका है इस टेबल से, ऊपर वाले टेबल से, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को फेच करने का। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है यूजिंग सिंगल रो फंक्शन टू कस्टमाइज आउटपुट। तो ऊपर वाले डेटाबेस में जो है आप राउंड कर सकते हो। राउंड का मतलब कि मान लीजिए किसी की सैलरी जो है 11,550 है, तो आप उसको राउंड में देखना चाहते हो कि भाई राउंड में शो कर दे तो 11,000 ही दिखाएगा, तो राउंड हो गया, ट्रंक हो गया, मोड हो गया। डेट कमांड जो है जो ऊपर वाले जो डेटाबेस है, टेबल है, उस पे डेट पे ही हम पर्टिकुलर कुछ वर्क करना चाहते हैं, नल वैल्यू पे कुछ वर्क करना चाहते हैं, तो वो सब काम हम जो है इसी में सीखते हैं, सिंगल रो फंक्शन टू कस्टमाइज आउटपुट के चैप्टर में हम समझते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है रिपोर्टिंग एग्रीगेट डेटा यूजिंग ग्रुप फंक्शन। आप ऊबर वाले ही टेबल में मान लीजिए कि रिपोर्टिंग वगैरह कुछ करनी है, रिपोर्ट वगैरह बनानी है, तो कोई एवरेज सैलरी वगैरह निकालनी है, या दो सैलरी को सम करके हमें दिखाना है, मिनिमम सैलरी को दिखाना है, मैक्सिमम सैलरी को दिखाना है। सैलरी में जो है अनिल, मान लीजिए फर्स्ट नेम डेविड है, नहीं मान लीजिए कि काउंट करना है कि मतलब ब्रांच आईडी जैसे 112 बार आया है, तो हमें काउंट करना है कि ब्रांच आईडी जो है सेम नंबर कितनी बार आ रहा है। तो 11 जो है 2 बार आ रहा है, तो काउंट में आपका 2 दिखाएगा। इसी तरीके से डिस्टिंक्ट कमांड जो है आपका, मान लीजिए कि ब्रांच आईडी 112 है, तो रिपीटेड वैल्यू को ना दिखाए, तो ये क्या डिस्टिंक्ट कमांड क्या करेगा, 1 और 2 को दिखाएगा, यानी कि जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको स्किप कर देगा। इसी तरीके से ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लाउज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है एसक्यूएल क्वेरी कमांड के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है हम ऊपर वाले टेबल के ऊपर जो है हम इस फंक्शन को यूज करते हैं, मतलब इसका यूज करते हैं ऊपर वाले टेबल के ऊपर ही काम करने के लिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। मल्टीपल टेबल से हमें डेटा को डिस्प्ले कराना है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कंपनी के अंदर जो है डेटाबेस जो होता है, उस डेटाबेस में एक टेबल नहीं होते, बहुत सारे टेबल होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन को मल्टीपल टेबल्स में स्टोर करके फिर उन टेबल्स को आपस में प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू जोड़ करके, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके फिर डेटाबेस के सर्वर पे उस डेटाबेस को स्टोर करके रखा जाता है। तो इससे बहुत सारी टेबल्स आपस में जुड़ी हुई होती है, तो इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, ये सब मल्टीपल टेबल्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो कौन कौन से टेबल से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो सब काम जो है हम इन्हीं कमांड्स के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट जो है मैन्यूपुलेटिंग डेटा। तो ये जो है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए ऊपर जो ये हमारे पास डेटाबेस है, ये जो हमारे पास टेबल है जिसमें इंफॉर्मेशन है, इस टेबल में ठीक है हमें कोई डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट कमांड को यूज करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ये जरूर आना चाहिए आपको। तो ऊपर वाले टेबल में हमें कोई इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी है, मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी 103 इसके अंदर ऐड करना है, तो वो हम इंसर्ट कमांड से ऐड करेंगे। अपडेट कमांड का मतलब है कि मान लीजिए किसी की सैलरी, अब यहाँ डेबिट की सैलरी 2,50,000 है, मुझे 3 लाख करना है, अपडेट करना है इसको, तो वो हम अपडेट कमांड से करेंगे। कोई इंफॉर्मेशन ऊपर से डिलीट करनी है तो हम डिलीट करेंगे। और ट्रंकेट कमांड का मतलब ये है कि ये टेबल मैंने बना दिया है और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन को मैं हटा दूँ और फिर से मुझे नया इन्फॉर्मेशन डालना है, तो उसके लिए मैं ट्रंकेट कमांड को यूज़ करूँगा। कमिट का मतलब ये है कि इस टेबल को, मान लीजिए कोई भी अपडेट किया है मैंने, तो इस टेबल को मुझे सेव करना है, तो वो कमिट कमांड से हम करते हैं। और रोल बैक का मतलब है कि जो भी चेंजेस किए हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा पिछला वाला ही चेंज वापस आ जाए। जैसे कंप्यूटर में हम कंट्रोल जेड करते हैं तो हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, ठीक है, तो रोल बैक का काम डेटाबेस में वही है। आगे जो है, आगे फिर से ये टेबल है हमारे पास, वही टेबल मैंने ले लिया है आपको समझाने के लिए। और नेक्स्ट कमांड जो है
वो है हमारे पास DDL स्टेटमेंट। तो DDL स्टेटमेंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ये भी आपको जरूर आना चाहिए। तो DDL स्टेटमेंट में हम ये सीखते हैं कि टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। ये जो पूरा का पूरा जो आपके पास टेबल है, इसमें जो हमने ये सारे कॉलम्स लिए हैं, ये सारे रोज लिए हैं, तो ये पूरा का पूरा टेबल हम क्रिएट कैसे करेंगे, तो वो हम DDL स्टेटमेंट में क्रिएट टेबल से वो हम समझते हैं कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। मॉडिफाई टेबल, टेबल को मॉडिफाई करना है। मान लीजिए यहाँ पे सैलरी लिखी हुई है, अब मैं चाहता हूँ कि सैलरी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे मैं सेल लिखना चाहता हूँ शॉर्ट में SAL, तो मुझे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वो मॉडिफाई हम मॉडिफाई टेबल कमांड से करते हैं। ड्रॉप टेबल का मतलब ये है कि इस पूरे टेबल को ही हमें उड़ाना है ना। कंपनी में मल्टीपल टेबल्स है इंफॉर्मेशन की, और कोई इंफॉर्मेशन हमें लगती है कि ये अननेसेसरी है, ऑब्सोलीट है, इसको हमें डिलीट करना है, इस टेबल को ड्रॉप करना है, हटाना है, तो वो हम ड्रॉप टेबल से करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन मल्टीपल टेबल्स में स्टोर की जाती है, तो वो मल्टीपल टेबल्स जो है आपस में हमें सेम कॉलम की से क्या करना होता है, रिलेट करना होता है। तो उसके लिए हम प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। वहां पे यूनिक की का मतलब यह है कि जिस पर भी जिस भी कॉलम के ऊपर यूनिक की अप्लाई करते हैं, उसमें सिर्फ यूनिक वैल्यू ही आ सकती है। जैसे मैं ब्रांच आईडी है यहाँ पे, अगर मैं इस कॉलम के ऊपर यहाँ पे अगर मैं यूनिक की अप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे 1 1 जो ये रिपीटेड वैल्यू आ रही है, ये रिपीटेड वैल्यू ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसी तरीके से नोट नल की का मतलब है कि नोट नल की कांस्टेंट को अगर मैं कहीं पे अप्लाई कर देता हूँ, मान लीजिए सैलरी पे अप्लाई कर देता हूँ, तो किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी अगर मैं खाली छोड़ूंगा तो वो वहाँ पे एरर दिखाएगा, वहाँ पे नोट नल की का कांस्टेंट लगा हुआ है इसलिए। और चेक कॉन्स्टेंट का मतलब यह है कि अगर चेक कॉन्स्टेंट मैं सैलरी के ऊपर लगा देता हूँ और उस पर मैं डाल देता हूँ कि 75,000 से कम सैलरी इसमें नहीं आनी चाहिए, तो जब भी मैं 70,000 70,000 सैलरी सैलरी वाले कॉलम में अपडेट मारूंगा, तो चेक कॉन्स्टेंट का ये एरर दिखाएगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अदर स्कीमा ऑब्जेक्ट्स। तो स्कीमा का मतलब ये है कि ये जो है ये पूरा का पूरा जो टेबल है ये एक स्कीमा हो गया, ठीक है। तो ये हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरीके से हम व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यू क्रिएट का मतलब है कि बिल्कुल टेबल की ही तरह एक टेबल और बन जाएगी बस, बट उस टेबल में आप कुछ इंसर्ट या अपडेट नहीं कर सकते हो इंफॉर्मेशन की। इसी तरीके से एसक्यूएल कमांड में जो है सीक्वेंस भी क्रिएट की जाती है, सिनोनिम्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्सेस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो है इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को हम टेबल के ऊपर इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी चीज़। तो अभी तक जो है जितनी भी चीज़ें हमने देखी है वो सारा का सारा क्या है एसक्यूएल में, वो सारे टॉपिक्स है, और उन टॉपिक्स को आप पढ़ने के बाद समझने के बाद डेटाबेस पे इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ भी टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।